नमस्ते भारत, मैं हूं मनविंदर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एमबी स्पीक्स। मैं सभी का स्वागत करती हूं और एक बड़ी खबर है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उनका क्या प्लान है जो मौजूदा संकट है कोरोना का उस पर। इट मींस सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है इस पूरे मैटर पे। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी परेशानियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी कि आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है, क्या केवल आपके पास एक वैक्सीन है विकल्प के तौर पे। सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम लोगों की जिंदगियां बचाना चाहते हैं, हमें ज़रूरत है लोगों की जिंदगियां बचाने की, जब भी हमें ज़रूरत महसूस होगी हम दखल ज़रूर देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूक दर्शक बने हुए नहीं रह सकते, हम चुप नहीं रह सकते, हम हाई कोर्ट्स की मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन्होंने अदालतों को भी अपना अहम रोल याद दिलाया और उन्हें कहा कि वो अपना अहम रोल निभाना शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चार निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश है उनका ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के केंद्र को मौजूदा स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, कितनी ऑक्सीजन है, राज्यों की क्या जरूरतें हैं, केंद्र राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या मान रहा है, राज्यों को कितनी जरूरत है, ये तेजी से जानने के लिए एक प्रोसेस अपनाया जाए। दूसरा उनका पॉइंट है गंभीर होती स्वास्थ्य जरूरतों को बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उन्हें ठीक किया जाए, कोविड बेड्स बढ़ाए जाएं। तीसरा उनका पॉइंट है वो कदम बताइए जो रेमडेसिविर और फेविप्रिवर जैसी दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए हैं। चौथा उनका पॉइंट है जो आखिरी पॉइंट है, अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी दो वैक्सीन हमारे पास हैं, सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी ये भी उन्हें बताया जाए, कोविड वैक्सीन के दाम तय करने का आधार और तर्क क्या है। उसके बाद केंद्र ने सॉलिसिटर, केंद्र की ओर से जो सॉलिसिटर वहाँ मौजूद थे जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि सरकार हाई लेवल पे इस मसले पे काम कर रही है, परेशानियां दूर करने के लिए प्रधानमंत्री खुद इसे पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, हालात को बहुत सावधानी से संभाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी कहा था कि कोरोना और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि हाई कोर्ट के मामलों पर सुनवाई का मतलब केस ट्रांसफर करना नहीं है, हाई कोर्ट्स को आगे बढ़कर के फैसले लेने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोरोना के बिगड़ते हालात पे 4 पॉइंट में नेशनल प्लान मांगा था। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी बनी हुई है और मरीजों की जान जा रही है। पूरे देश में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है, लेकिन राज्यों में वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं की हर स्टेट में कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं होना चाहिए, ये राज्य सरकार के अधीन हो। और एक और खास बात, मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के एक दिन के बाद चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रमों में काफी फेरबदल किया है, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के उसने सख्ती अपनाई है। उसने बहुत साफ साफ कह दिया है कि 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और ना ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी कोरोना से जुड़ी हुई खबर कि कोर्ट क्या सोचता है कोरोना को लेकर के, किस तरीके से वो इंटरवीन कर सकता है इन मामलों में। आगे जो भी होगा मैं आपको खबर देती रहूंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।